देखिए, एक्चुअली चुनौतियाँ हर लड़कियों के लिए बहुत अलग अलग होती है। किसी के लिए पारिवारिक होती है, किसी के लिए सामाजिक होती है, किसी के लिए आर्थिक भी होती है। तो बिल्कुल आए, बिल्कुल अच्छा है मुखर्जी नगर, और उन्हें आना भी चाहिए क्योंकि हमें यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है जो शायद हमारे शहरों में नहीं है। तो बिल्कुल मेरे उनके लिए बिल्कुल बेस्ट विशेज, ऑल द बेस्ट फॉर देम। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि पिछले वीडियो में हमने तीन महानुभाव से आप लोगों का रूबरू कराया था, जिसलिए वीडियो का आप लोगों को बहुत सारा प्यार दिया, उसी इंटरव्यू सीरीज में दूसरा वीडियो आप लोगों के सामने में लेकर आया हूं। और मेरे साथ एक मोहतरमा, इनसे हम जानेंगे और बात करेंगे। हेलो, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम सुप्रिया तिवारी है। आप कहाँ के रहने वाले, की शिक्षा दीक्षा कितनी है? जी, मैं उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले से हूँ और मैंने अपना ग्रेजुएशन जौनपुर विश्वविद्यालय से किया था और अभी मैं अपना मास्टर्स कर रही हूँ सोशियोलॉजी से। आप मुखर्जी नगर कब से आई हैं? जी, मैं 2016 से आई हूँ मुखर्जी नगर में। आपकी तैयारी जो है मुखर्जी नगर में रह के आप कर रही हो, और जैसा कि आप बहुत ही छोटे से शहर जौनपुर, उत्तर प्रदेश के छोटे शहर से बिलोंग करते हो, इंडिया के तमाम कोने से यहाँ पे स्टूडेंट आते हैं, बीइंग ए गर्ल आपने किस किस तरीके का समस्या का सामना करना पड़ता है? देखिए, एक्चुअली चुनौतियाँ हर लड़कियों के लिए बहुत अलग अलग होती है। किसी के लिए पारिवारिक होती है, किसी के लिए सामाजिक होती है, किसी के लिए आर्थिक भी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन जो मैंने पर्सनली जो अपनी लाइफ में मैंने फेस किया वो था कि एक तो जब मेरे पिताजी ने मुझे यहाँ पे भेजा तो उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती थी कि मेरी लड़की जो करने जा रही है, क्योंकि हमारा समाज क्या होता है कि छोटी जगहों में लड़कियों को भेजना नहीं जल्दी चाहता है। तो मेरे पिताजी ने पहले उन लोगों से चुनौतियाँ लिया जो वो भेजना नहीं चाहते थे। तो सबसे बड़ा प्रेशर ये होता है मेरे मतलब कंसर्न का कि मेरे पिताजी ने जो सोचा था, आज भी वो मुझसे कहते बेटा तुम्हारा एग्जाम निकल तो जाएगा ना। दूसरी चीज ये है कि हमारे समाज में जो कि और भी लड़कियां हैं जो बाहर आना चाहती हैं, तैयारी करना चाहती हैं, उनके लिए ये भी चुनौती, अगर आज मैं पास हो जाती हूं तो उनके लिए तो एक रास्ता खुल जाएगा कि नहीं चलो सुप्रिया भी गई थी, सुप्रिया का तो हो गया, तुम लोग भी जाओ। लेकिन आज अगर मैं फेल हो जाती हूं तो उन लड़कियों के लिए वो दरवाजे बंद हो जाएंगे जो अभी इस उम्मीद में बैठी हैं कि मेरी सहेली, मेरी दोस्त, मेरी दीदी वहां गई है करके आएगी, और अगर मैं फेल हो गई तो उनके वो दरवाजे बंद हो जाएंगे और उनके पेरेंट्स ये कहेंगे कि यार वो भी तो गई थी, देखो क्या कर लिया उसने, कोई जरूरत नहीं है। फिर उनके लिए वो शादियां, क्योंकि हमारे समाज में हमारी लड़कियों को पढ़ाने से ज्यादा जो वो सोचते हैं कि हम पढ़ाई की जगह जो पैसे उस पर खर्च करें, उनकी शादी करा के उनको कहीं सेटल डाउन कर दें, वो ज्यादा। और वो लड़कियां जो अपना करियर बनाना चाहती हैं ना कि शादी करना चाहती हैं, उनके लिए ये ऑप्शंस खत्म हो जाता है। ये बहुत बड़ा मेरे ऊपर एक चुनौती है। जैसा कि मुखर्जी नगर काफ़ी एक महंगा इलाका कहा जाता है स्टूडेंट के लिहाज से, तो इकोनॉमिकली बहुत सारे स्टूडेंट को यहाँ पे समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो क्या इस तरह की समस्या का सामना जो स्टूडेंट करते हैं उनके लिए कोई यहाँ पे चैलेंज है? जी, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा चैलेंज है, क्योंकि अगर कहते हैं कि इवन जो मैं भी फेस करती हूँ, क्योंकि अगर फाइनेंशियली आप स्टेबल नहीं हो तो आपका पता चलता है कि आपकी तैयारी की जगह आपका दिमाग अपने डेली जरूरतों की चीज़ों के लिए उसी पे हम शिफ्ट हुए रहते हैं। और दिल्ली बहुत ज़्यादा महंगा है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है रहने के लिए, खाने के लिए। यहाँ पे इवन जो कोचिंग सेंटर्स होते हैं उनकी फीसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं। इवन जो मैं खुद जिस पीजी में रहती हूँ, मतलब मैं सिर्फ मेरे 10,000 रुपये कहाँ जाते हैं मुझे नहीं पता चलता, वो भी सिर्फ मैं रह रही हूँ और खा रही हूँ, मेरे एक्स्ट्रा जो एक्सपेंसेस वो आप हटा दो। तो ये सारी चुनौतियाँ उसके वजह से, और हमारे लोग की जगहों पे हमारे पिताजी लोग ऐसे नहीं है कि बहुत बड़े, मतलब बहुत ज़्यादा इनकम है उनके पास, बहुत कम इनकम होती है, और उसके बावजूद भी एक लड़की को जब वो भेजते हैं तो उसमें भी सारी चीज़ें आती हैं। तो चुनौतियाँ तो बहुत होती हैं, और इस फाइनेंशियली चुनौती की वजह से हमारे जो मेंटल जो चुनौतियाँ आती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं। जैसे कि भी पेंडेमिक की वजह से यहाँ स्टूडेंट बहुत कम आ रहे हैं, अभी स्टूडेंट यदि यहाँ आना चाहते हैं तो उनके लिए किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है? देखिए, आने और जाना तो लगा हुआ है। इवन मैं भी मार्च में, मेरा बताया था मैंने जैसे कि मेरा मास्टर्स का एग्जाम था तो मैंने फर्स्ट ईयर का एग्जाम दिया था। उसके बाद कोविड 24 मार्च को जो कि लॉकडाउन हो गया था ऑल ओवर इंडिया में, तो मैं भी वहाँ पे अपने घर पे फंस गई थी। फिर मैं जुलाई में आई क्योंकि मुझे प्रिपरेशन मेरी काफ़ी वहाँ पे डिस्टर्ब हो रही थी, मेरे सारे स्टफ यहीं पे थे दिल्ली में, तो मैं आई। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि तैयारी जो होती है किसी जगह की मोहताज होती है। एक्चुअली आज मतलब आज वर्चुअल दुनिया है, हमें सारी चीज़ें इंटरनेट पे बहुत इजीली प्रोवाइड हो जाती है। इवन आज मैं इनसे भी इंटरेक्ट हो रही हूँ, चाहे आपसे भी इंटरेक्ट हो रही हूँ, तो ये भी एक इंटरनेट के माध्यम से है। तो इंटरनेट के माध्यम से हमें बहुत सारी चीज़ें मिल सकती हैं, इंटरनेट के माध्यम से अच्छे टीचरों से भी संपर्क कर सकते हैं जो हमें काफ़ी हमारी तैयारियों में हेल्पफुल हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम किसी जगह पे, हम दिल्ली, बेंगलुरु और इस जगह पे ही जाके तैयारी, अगर आपकी कमिटमेंट है कि हाँ मुझे ये पोजीशन, ये पद पाना ही है, और तो आप कहीं से भी ये चीज़ें कर सकते हैं, बहुत इजीली कर सकते हैं। तो मेन आपको पहले फिल्टर आउट करना है कि एक्चुअली व्हाट यू वांट फ्रॉम योर लाइफ।
स्पेशली मैं बात करूं टू बीइंग ए गर्ल, आपको मुखर्जी नगर में चौर इसके बहुत अगल बगल के जो इलाके हैं, नेहरू विहार है, गांधी विहार है, वजीराबाद है, संत नगर है, यहाँ बॉयज और गर्ल्स रहते हैं, लेकिन मोस्टली लड़कियाँ जो है अपने आप को कहीं ना कहीं मुखर्जी नगर से फील करती है। तो सेफ्टी के लिहाज से मुखर्जी नगर का जो इलाका है लड़कियों के लिए कितना अच्छा है? जी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि मैं तो काफ़ी 4 साल से रह रही हूँ। सेफ्टी काफ़ी फ्रेंडली भी है, और यहाँ पे मतलब जो भी चीज़ें हैं कि इजीली आपको कन्विंस बहुत इजीली आपको मिल सकता है, आपको सारी चीज़ें, आपके स्टडी मटेरियल, आपको हर एक चीज़ बहुत इजीली मिल सकती है। और इवन जो आप पीजी वगैरह भी देखते हैं, यहाँ पे हमारे जो लैंडलॉर्ड होते हैं वो भी काफ़ी प्रेफरेंस देते हैं कि लड़कियों को सेफ्टी काफ़ी सेफ फील करें, क्योंकि उनकी भी एक अथॉरिटी होती है कि बाहर से जब कोई आ रहा होता है तो उनके ऊपर हमसे भी ज़्यादा उनकी जिम्मेदारी होती है। तो मुझे तो काफी अच्छा लगा मुखर्जी नगर में, क्योंकि जैसी धारणाएं होती हैं कि दिल्ली सेफ नहीं है, जैसा जब मैं भी नहीं आई थी तो मुझे भी ऐसा ही होता था कि लोग अरे नहीं दिल्ली नहीं जाना है, ऐसे नहीं जाना है, सेफ नहीं है, लेकिन नहीं, मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। मेरी दिल्ली में मुझे कभी ऐसा फील हुआ, मैं काफी अच्छा लगता मुझे मुखर्जी नगर, इवन मेरे अप्स एंड डाउन में भी मुखर्जी नगर ने काफी सहयोग किया है। तो जो भी मतलब इंडिया के पूरे कोने कोने से जो यहाँ पे गर्ल्स आना चाहती हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से आए, मुखर्जी नगर में रहे और कैसे पढ़ाई करें? जी बिल्कुल, मेरी विशेष तो उनके साथ है, जो यहाँ पे आना चाहती हैं बिल्कुल आएं, लेकिन एक सॉलिड कमिटमेंट के साथ यहाँ पे आएं, क्योंकि मुखर्जी नगर में बहुत से लोग आते हैं लेकिन कुछ ही लोग होते हैं जो अपने टारगेट को अचीव करके जाते हैं। क्योंकि इट्स ईजी आना, बट इट्स वेरी टफ कि जो हम चीज सोचे हैं उसको लेके वापस जाना। तो बिल्कुल आए, बिल्कुल अच्छा है मुखर्जी नगर, और उन्हें आना भी चाहिए, क्योंकि हमें यहाँ पे बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है जो शायद हमारे शहरों में नहीं है। तो बिल्कुल मेरे उनके लिए बिल्कुल बेस्ट विशेज, ऑल द बेस्ट फॉर देम। थैंक यू सो मच आपने मुझसे बात किया। अंत में आपसे एक क्वेश्चन और मैं करना चाहूंगा कि आप मेरे व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगे, जो आपको इतने सारे लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं, मेरे चैनल के व्यूअर आपको देख रहे हैं, मेरे सब्सक्राइबर आपको देख रहे हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? जी मैं बिल्कुल ये कहना चाहूंगी कि हाँ, मैं इनके चैनल को काफी टाइम से फॉलो कर रही थी, इनको देख रही थी। बताया जैसा मैंने कि मैं 4 साल से मुखर्जी नगर में हूँ, और मुझे बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स हैं, इवन निगेटिविटी ज्यादा आती है जब आप प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तो उस समय काफी आपको ऐसा फील होता है कि यार मैं छोड़ दूं, आज मैं गिव अप कर देती हूँ। हर शायद एक हफ्ते पे होता है, शायद 10 दिन पे, मेरे सामने ही चैलेंज बहुत ज्यादा आता था, मुझे बार बार लगता था नहीं मुझे छोड़ देना चाहिए, लेकिन मैं जब जब इनकी वीडियोज को देखती थी मैं काफी ज्यादा मोटिवेट होती थी और लगता था कि नहीं मैं कर सकती हूं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको इनको सुनना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, इवन ना कि इनके चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें, फॉलो करें, इवन ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि जैसे आज मैं हूं, जैसे आज मैं इंस्पायर हुई, आज मैं उस लेवल पे हूं कि हाँ मैं खुद को मोटिवेट कर सकती हूं उनकी वजह से। तो ऐसे बहुत से कोने कोने में लोग हैं जो ऐसी चीजों के लिए, उनको ऐसी चीजों की नीड है जो अपनी निगेटिविटी से बाहर आ सकते हैं। तो प्लीज आप लोग ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि ऐसी चीजों को हेल्प मिले, ऐसी चीजों में लोगों को। थैंक यू सो मच सुप्रिया जी, आपने मुझसे बात की, अपना कीमती समय मेरे लिए निकाला आपने, आपको दिल से मैं शुक्रिया कहना चाहता हूँ। आप सभी लोग इनको देखें, इनको सुने, इनको बातों को आप लोग अच्छे से समझें, कि उन्होंने जो बताया आपके वीडियो में वो आपके लिए हर एंगल से, हर तरीके से आपके लिए फायदेमंद है, और जो बातें हैं वो सारी रियलिटी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स फॉर लव एंड सपोर्ट, स्टे कनेक्टेड, बाय, मिलते किसी नए वीडियो में ऐसी पर्सनैलिटी से फिर आपको रूबरू कराएंगे, तब तक के लिए बाय बाय।